अगर आप किसी काम को कर रहे हैं और आप बहुत खुश हैं, तो यकीन मानिए आप उस काम को बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत सब लोग करें, तो आप बहुत कम बोलने की आदत डाल लीजिए। जहाँ पर जरूरत हो वहीं पर आप बोले। जो इंसान मोटिवेशनल वीडियोस या मोटिवेशनल मूवीज देखता है, तो उन लोगों की तुलना में बहुत कम नकारात्मक विचार उसके दिमाग में आते हैं। जब कोई लड़की आपसे प्यार करती है, तो वह आप में बहुत सारी खूबियां नहीं बल्कि किसी एक खूबी को देखकर ही आपसे प्यार करने लगती है। कोई भी व्यक्ति आपसे आपकी बुरी आदतों की वजह से नहीं जलता, बल्कि वह इसलिए जलता है क्योंकि वह आप जैसा बन नहीं पा रहा है, आपके जितनी सफलता उसे नहीं मिल रही है। जो लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, उनसे लोग ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। आप किसी के लिए चांद तोड़कर ला दीजिए या किसी की ज़िंदगी सुधारने के लिए अपनी भी ज़िंदगी दांव पर लगा दीजिए, लेकिन समय आने पर सामने वाला ये कहने का दुस्साहस जरूर करेगा, क्या मैंने कहा था तुमसे करने के लिए। जीवन में वही रिश्ता सच्चा होता है जो तुम्हें पीठ पीछे भी सम्मान दे। जरूरी नहीं है हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले, कई बार हद से ज़्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। दिल बुरा रख कर जुबान से मीठा बनना मुझे नहीं आता। जिसे इज्जत दी उसे दिल से दी, और जिसे छोड़ा उसे दिल से छोड़ा। सच्चे प्यार में वापस आने की खासियत होती है। अगर आपका पार्टनर वापस नहीं आता है, तो समझ जाइए कि वे आपके सच्चे प्यार के हकदार नहीं है। अगर आप मूव ऑन करने के लिए किसी से बात करना चाहते हो या मदद मांग रहे हो, सामने वाले से बोल दो। अगर आप किसी से सिर्फ बात करना चाहते हो, सामने वाले से बोल दो। अगर आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो, तो सामने वाले से बोल दो। बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, बस खुद को शांत करो और प्रतीक्षा करो। जिन्होंने आपको दुख दिया है, अतः वो खुद को खराब कर लेंगे, और यदि आप भाग्यशाली है तो ऊपर वाला आपको सारा मंजर आपकी आँखों को देखने का हसीन मौका जरूर देगा। अपने आसपास ढूंढो, देखो, समझो और उन लोगों की तलाश करो जो आपकी ज़िंदगी को कलरफुल बनाते हैं, और दूर हो जाओ उन लोगों से जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी आपकी ज़िंदगी को कलरलेस बनाने में। एक समझदार इंसान किसी को ब्लॉक अनब्लॉक नहीं करता, वो देखता है और देखता है, बहुत कुछ देखता है। जब सब कुछ देख लेता है तो बस छोड़ देता है, इग्नोर कर देता है। जो इग्नोर करते थे वो भी दीवाने हो जाएंगे, पीछे पड़ जाएंगे। जैसे ही अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना शुरू करते हो, अपनी फील्ड में महारथी होने लगते हो, जिसने इग्नोर किया उसको तो हटाओ, दुनिया भी दीवानी हो जाएगी आपकी। जैसे ही आप अपनी पर्सनालिटी को सुधारना शुरू करते हो, जैसे चलने का ढंग, अच्छी ड्रेसिंग सेंस, बातचीत करने का ढंग, और जैसे ही आप पहले के मुकाबले सुंदर और हैंडसम दिखने लगते हैं, याद रखना आजकल जो दिखता है वो बिकता भी है। जैसे ही आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप खुद अकेले अपनी दुनिया में खुश रह सकते हो, आपको निर्भरता की जरूरत नहीं है किसी पर, यकीन मानो इसे शक्ति कहो या कॉन्फिडेंस, दुनिया फिदा हो जाएगी आप पर। यह एक फैक्ट याद रखना, आपके लिए जो कुछ भी है वो वास्तव में आपके पास आएगा। अच्छी चीज़ें, अच्छे लोग और अच्छे दिन अपनी लाइफ में अनगिनत ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम अनजाने में नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें उस व्यक्ति की वैल्यू जरूर करनी चाहिए जो हमें अपना समय देता हो। वह केवल समय ही नहीं देता, वो आपके साथ अपने जीवन का एक हिस्सा भी साझा करता है। वादा उसी से करो जो आपके वादे को निभा सके, दुख उसे ही बताओ जो आपको हौसला दे सके, काम ऐसा करो जिससे आपकी इज्जत बढ़ सके, निजी बातें उसी से बताओ जो आपकी बातें गुप्त रख सके, प्यार उसी से करो जो आपको समझ सके। किसी को हर समय आपको याद करने के लिए मजबूर ना करें, बस चुप रहो और उन्हें एहसास होने दो कि वे अपने जीवन में आपके बिना कैसा महसूस करेंगे। प्रेम अवश्य जरूरी है, पर आत्मसम्मान से ज़्यादा नहीं। खुशी वो नहीं है जो आप चाहते हैं, बल्कि वो है आपके पास जो कुछ भी है उसका आनंद लेने के बारे में है। ऊपर वाला जानता है आपने किसी चीज़ के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी, उस पर विश्वास रखें। खामोशियाँ ही बेहतर है, बातों से तो लोग रूठते बहुत है। अक्सर वही बातें बहुत ज़्यादा रुलाती है जिनके जवाब में हम कहते हैं कुछ नहीं। हम हमेशा खुद को सही और सामने वाले की सिचुएशन को समझे बिना उसे गलत मान लेते हैं। एक उम्र वो थी कि जादू में भी यकीन था, एक उम्र ये है कि हकीकत पर भी शक है। गुण 36 नहीं केवल 4 चाहिए,
अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदार। किसी पर ज़्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत ही कम कर दिया जाए। कोई आपका साथ दे ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि प्रभु से बड़ा हम सफर कोई नहीं है। ये बिल्कुल ना सोचे कि सिर्फ आपके ही जीवन में समस्याएं हैं। अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हर कोई संघर्ष कर रहा है। समय लगभग सब कुछ बदल देता है। हर चीज़ को समय दीजिए। दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यह आपका विषय नहीं है। सामने वाला व्यक्ति भी यही सोच रहा होगा कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। पुरानी जिंदगी सबकी बर्बाद होती है। अपने अतीत को लेके परेशान क्यों होते हो? जो हो गया सो हो गया, अब अपने आज को खराब मत करो। हमें किसी के भी साथ किसी भी तरह की प्रतियोगिता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जैसे हैं अच्छे हैं। हमें अपने आप को स्वीकार करना चाहिए। हीरे जैसे चमकोगे दुनिया दौड़ के खरीदेगी, लोग तुम्हारे पास चल के आएंगे। बस खुद में खुदा बन जाओ। लोग नहीं, लोगों के बीच में सम्मानित बनने के लिए खुद में जी तोड़ मेहनत शुरू करो। खुद में वफादार बनो। खुद की नज़रों में अपनी अहमियत बढ़ाओ। ड्रामेबाज और नेगेटिव लोगों से जितना हो सके दूरी बना लो। अपने सपनों का पीछा करो, हर कीमत अदा करो अपने सपनों को पाने के लिए। कभी भी अपने बारे में एक शब्द भी बुरा मत कहो। लोगों को इग्नोर करना शुरू करके अपने काम को वैल्यू देना शुरू कीजिए। यकीन माने, पूरी दुनिया आपकी कद्र करना शुरू कर देगी। जिंदगी मिली है तो कोई मकसद भी रखिए। दिन भर मोबाइल में चैटिंग करके किसी का टाइम पास बंद कर वक्त गंवाना कोई जिंदगी नहीं है। मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं कि ये कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि टूटने के बाद ही वो व्यक्ति इतना मजबूत हो पाया है। किसी ने भी आपकी खुशी का ठेका नहीं ले रखा सिवाय आपको छोड़कर। ज़्यादा सोचना बंद करो, ये ठीक नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ आपके अनुसार हो ये जरूरी तो नहीं। आखिर जिसने हम सबको बनाया है उनका भी तो निर्णय हो सकता है। दूसरों को खुद से ना ही तुलना करो और ना ही किसी को जज करो। हमें सामने वाले की स्थिति का अंदाजा नहीं होता। क्या पता वह कैसी परिस्थिति से गुजर रहा हो। समय लगभग सब कुछ सही कर देता है। कुछ बिगड़ गया है, थम जाओ। कोई छोड़ गया है, जाने दो। दूसरे आपके बारे में क्या सोचे, सोचने दो। हर किसी को समझ पाना अपना काम नहीं है। पास्ट किसी का अनाई होता। अतीत में हर दूसरे इंसान ने गलतियाँ की है, इसलिए अतीत में हुई गलती या दुख को लेकर परेशान मत होना। एक नई शुरुआत करो, वर्तमान में जियो। आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। ये उन वजहों को पकड़ पकड़ के लाता है जो बेवजह है। भले ही वो आपसे बात ना करता हो, लेकिन ये दो स्टिक संकेत उसी शख्स से मिलने लगे तो उसी दिन मान लेना कि अब वो आपसे ज़्यादा बेचैन है। जब सामने वाला ना होकर भी वो आपको हर पल आँखों के सामने दिखता हो, या वो सच में बार बार आपके सामने आता हो।